हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। सो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड गुड एंड आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब की अपडेट, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रहा है इंडियन आर्मी की तरफ से। सदर्न कमांड में हेड क्वार्टर्स की रिक्रूटमेंट रहेगी 2023 के लिए। ग्रुप सी की पोस्ट है, ऑल इंडिया की वैकेंसी, मेल एंड फीमेल दोनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आप भी इस पोस्ट को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हो तो वीडियो का एंड तक जरूर बने रहना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल में मैं बताने वाली हूँ कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एज लिमिट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन एंड आपको इनिशियल इनहैंड सैलरी, एग्जाम पैटर्न, मतलब कंप्लीट डिटेल में मैं इसको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एज आई टोल्ड यू कि इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर सदर्न कमांड के अंदर ग्रुप सी की रिक्रूटमेंट आई है 2023 के लिए। फॉर्म आपका अप्लाई होगा ऑनलाइन, स्टार्टिंग डेट है आपका 18th of September 2023 एंड लास्ट डेट टू अप्लाई आपका 9 और 10 अक्टूबर रखा जाएगा। मतलब अभी फॉर्म स्टार्ट नहीं हुआ, 18 से स्टार्ट होने वाला है, तो उस टाइम आपको कन्फर्म पता चल जाएगा कि लास्ट डेट क्या रहने वाला है। मेल एंड फीमेल दोनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म की फ़ी की बात करें तो कोई फ़ी नहीं लगने वाला है आपको। तो चलिए सबसे पहले आपको एक्सप्लेन कर दूँ पोस्ट नेम, क्वालिफिकेशन, एज एंड सैलरी, इन सब पोस्ट के लिए क्या मिलेगा। पहले मैं बता दूँ किस किस पोस्ट पे आपको रिक्रूटमेंट आई है। फर्स्ट है आपका कुक के लिए वैकेंसी आई है, एमटीएस मैसेंजर, एमटीएस दफ्तरी, वाशरमैन, मजदूर एंड एमटीएस गार्डनर की पोस्ट्स के लिए आपकी ये वैकेंसी आ चुकी है। पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन पहले आपको बता दूँ, कुक की पोस्ट के लिए 10th पास आउट एंड नॉलेज ऑफ ट्रेड, मतलब कि खाना बनाना आना चाहिए आपको। एज लिमिट 18 to 25 years, मतलब मिनिमम 18 years एंड मैक्सिमम 25 years एज रखा गया है। सैलरी मिलेगा आपको लेवल 2 का 19,900 rupees टू 63,200 rupees की सैलरी रहती है। एमटीएस मैसेंजर, दफ्तरी, वाशरमैन, मजदूर, एमटीएस गार्डनर, इन सब के लिए आपको 10th पास आउट होना चाहिए। साथ ही साथ आपको 1 year का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेटेड ट्रेड में, मतलब मैसेंजर का होना चाहिए। अगर आप एमटीएस मैसेंजर का अप्लाई करोगे तो 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वाशरमैन यानी धोबी का, तो अगर आपने 1 साल से आप कपड़ा धो रहे हो, धोबी का काम कर रहे हो, तो आप एलिजिबल रहने वाले हो। आपको बता दूं एज की लिमिट मिनिमम 18 years एंड मैक्सिमम 25 years इसके लिए भी रखा गया है। इसमें मिलता है लेवल 1 का सैलरी 18,800 rupees टू 56,900 rupees। तो फ्रेंड्स, जैसा आप यहाँ पे एज देख रहे हो कि 18 to 25 years है, तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि एज कब से कैलकुलेट किया जाएगा। सो योर एज विल बी कैलकुलेटेड एज ऑन 9 और 10 अक्टूबर 2023, उसी डेट से आपका एज कैलकुलेट होगा। रिलैक्सेशन भी मिलेगा, ओबीसी को 3 years का एंड एससी एसटी को 5 years का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। लेट्स टॉक अबाउट सिलेक्शन प्रोसेस। तो आपका सिलेक्शन जो है मेजर 2 stages पे डिपेंडेबल रहने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू पास आउट रिटन एग्जामिनेशन, देन होगा आपका स्किल और ट्रेड टेस्ट। मतलब कि अगर एमटीएस वगैरह में कुछ स्किल टेस्ट हुआ तो अदरवाइज ट्रेड टेस्ट, तो जो भी ट्रेड से आप जा रहे हो वो तो आपका होना ही है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आर्मी की जॉब है तो आपका डीवी तो हर जॉब के लिए हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसमें आपका मेडिकल भी चेक किया जाएगा। तो आइए मैं आपको सेंटर बता देती हूँ कि आपका रिटन एग्ज़ाम कहाँ होगा और आपका जो ट्रेड टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट, वो कहाँ होगा। एग्ज़ाम का सेंटर आपका रहेगा हेल्ड एट जीआरसी कैंपटी मिलिट्री स्टेशन। जीआरसी कैंपटी मिलिट्री स्टेशन में आपका रिटन पेपर होगा। स्किल टेस्ट कुक और वाशरमैन का जो ट्रेड टेस्ट होगा वो होगा आपका आरती सेंटर नासिक रोड कैंप में। तो ये आप अच्छे से इसको नोट कर लेना, ध्यान में रख लेना, अदरवाइज इसका नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर दूंगी, वहाँ पर आप अच्छे से इसको थॉट आउट रीड आउट कर लेना। चलिए मैं एग्ज़ाम की पैटर्न पहले आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। 150 क्वेश्चन का पेपर होता है, 150 मार्क्स के लिए, टाइम मिलेंगे आपको 2 hours के लिए, नो निगेटिव मार्किंग, ये तो तय रहता है। जितना भी डिफेंस का पेपर होता है उसमें कोई में भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता है।
रीजनिंग का क्वेश्चन 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए, जीए का मतलब जनरल अवेयरनेस का 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए, जनरल इंग्लिश का 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए, ओवरऑल 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के लिए, 2 आवर्स में पेपर कंडक्ट होगा। निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट रहने वाला है। सो आई होप कि एग्जाम पैटर्न आपको क्लियर हो गया होगा। ट्रेड टेस्ट में तो बता ही दिया कि कुक है तो खाना से रिलेटेड टेस्ट होगा, वाशरमैन है तो उससे रिलेटेड होगा, तो उसके बाद आपका डीवी मेडिकल वगैरह सब कुछ हो के आपको सैलरी भी मैंने बता दिया है। रही बात फ्रेंड्स की, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि टोटल पोस्ट कितना है, आपने बताया ही नहीं। टोटल फ्रेंड्स आपका 24 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी आई है। अब आप सोचोगे कि इतना कम पोस्ट के लिए वैकेंसी है तो मैम आप हम लोग का टाइम वेस्ट कर रहे हो, बहुत सारे बच्चे ऐसा कमेंट करते हैं। तो देखिए, आपके लिए ये 24 सीट्स कम होगा, पर वो जो बच्चे जिनको इसकी रिक्वायरमेंट होगी, एक सीट की रिक्वायरमेंट होगी एटलीस्ट, उनके लिए मुझे ये वीडियो बनाना होता है ताकि उनको मैं इन्फॉर्म कर पाऊँ। अब मेरा काम है जॉब की अपडेट बताना, तो मैं अपना काम कर रही हूँ, आप अपने एंड से देख लो। अगर आपको नहीं सही लगता है तो आप अप्लाई मत करो, वीडियो मत देखो, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मैं बस इन्फॉर्म कर देती हूँ कि जो जिनका रिक्वायरमेंट होगा वो इसके लिए अप्लाई कर देंगे। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो आपका जॉब का लोकेशन फ्रेंड्स पुणे महाराष्ट्र में होने वाला है। जैसा आपने पहले ही समझ लिया होगा कि सदर्न कमांड हेडक्वार्टर्स में वैकेंसी आई है, तो सदर्न कमांड का हेडक्वार्टर पुणे में आता है, इसलिए आपका जॉब लोकेशन पुणे में रहेगा। एंड फ्रेंड्स आई होप कि अभी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। मैंने जो आपको डिटेल बताया है इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट सदर्न कमांड हेडक्वार्टर्स के रिगार्डिंग, और समझने में दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन है, अदरवाइज मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, सबका आपको आइकन दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, आप वहाँ जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना, भर भर के लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर देना ताकि मेरी सारी न्यू जॉब अपडेट की वीडियो सबसे पहले आप सभी तक आए। तो मिलूंगी फिर से किसी ज़बरदस्त गवर्नमेंट जॉब के अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।